नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। ये वीडियो आज इस पर्पज से बनाई जा रही क्योंकि बॉर्डर पे किसान अपना आंदोलन कर रहा है और सरकार किसी की सुनवाई नहीं कर रही। कभी किसी को नक्सली बताते हैं तो कभी किसी को आतंकवादी और खालिस्तानी बताते हैं। देखिए, जब जब देश में कोई बड़ा आंदोलन चला है तो आंदोलन में धीरे धीरे करके वृद्धि होती गई है और एक समय आने पर वो चरम उसने अपना पकड़ लिया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पेशली आपको जो है ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में है क्या, मुद्दा क्या है, किसान आया क्यों है, अपने मन की बात वो कहना क्यों चाहता है और क्या प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन खत्म होने से और क्या प्रभाव पड़ेगा इन बिलों के पास होने से। देखिए, किसान को सरकार चाहे जो भी बताए, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब जब किसी का दमन करने की, किसी चीज को ज्यादा प्रेस करने की कोशिश की जाती है तो वो और बड़ा विस्फोटक रूप ले लेती है। जिनको आज हम आतंकवादी या फिर जो है और बहुत सारे नामों से जानते हैं, क्रांतिकारी, तो आंदोलन आंदोलन से पहले कैसा होता है और जब वो क्रांति पकड़ लेता है तब क्या करता है और जब वो क्रांति और एक्सट्रीम में पहुंच जाती है तब जाकर के आतंकवादी बना देती है। तो जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो वो दो चार छह लोगों की मुहिम से शुरू होता है एक्चुअल घटना के आधार पर। फिर उसमें कुछ अन्य बुद्धिजीवी जो है आकर के जमा होते जाते हैं और वो धरना प्रदर्शन का रूप धारण कर लेता है। जब उस धरने प्रदर्शन की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है और एक लंबा समय खिंच जाता है, वहां फिर जो है लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि अब कुछ तो है। वो जो कुछ है, उस कुछ है की वजह से वो आंदोलन एक महाआंदोलन बन जाता है और वहां फिर उस महाआंदोलन में जो पक्ष विपक्ष और जो भी सत्ता लोलुप्त लोग हैं वो आकर के अपनी शिरकत करना शुरू कर देते हैं, उसको पंपअप करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो आंदोलन क्रांति में तब्दील होना शुरू हो जाता है। जो अभी की सिचुएशन है, सरकार जो है वो किसानों का दमन करना चाहती है अपनी ताकत के बल पे। किसान उस ताकत से जो है वो लोहा लेना चाहता है और धीरे धीरे जो है कुछ बाहरी ताकत या फिर जो है ये कह लीजिए कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं बीजेपी के अपोजिट, वो उसमें घी डालने का काम कर दे रहे हैं और ये अपना एक प्रचंड रूप धारण करता जा रहा है। ये तो बात हुई कि किस तरीके से आंदोलन जो है अपने गंतव्य पे आगे बढ़ता चला जाता है यदि उसको समय पे कंट्रोल नहीं किया गया। अब बात आती है कि इन बिलों के पास होने और ना होने से क्या फर्क पड़ेगा किसान पे और क्या नहीं पड़ेगा। देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, बेसिकली वहाँ लैंड साइज बहुत छोटा होता है, 5 से 15 बीघे के बीच में जो है वो किसान 90% सिमट के रह जाता है। और किसान जो फसलें उगाता है वो उगाता गन्ना, हर 10 किलोमीटर पे एक मील बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान की जो अहमियत है या फिर जो उसमें कहीं कोई विशेष परिवर्तन होने वाला नहीं है क्योंकि उसे तो गन्ना उगाना है। हाँ, प्रभाव पड़ेगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, इन राज्यों में काफी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वहां पे वो फसलें जो स्टोरेज की जा सकती हैं लंबे समय तक वहां पैदा होती हैं, उनका स्टोरेज भंडारण होता है और वहां मंडियों की संख्या भी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वहां प्रभाव चीजों पे पड़ेगा। अब जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता पे प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में
जब चीजों को स्टोरेज करके और मनमाने दामों पे बेचा जाएगा। एमएसपी पे कानून कहां तक है, कितनी खरीद होती है, ये आप भी जानते हैं। और एमआरपी उसके लिए जो है व्यापारी स्वतंत्र है, कितना भी रख सकता है। जब आप रिटेल शॉप से लेने जाते हो तो कई बार आपको एमआरपी से ऊपर भी अदा करने पड़ते हैं, सिचुएशन के आधार पर। तो आने वाले समय में चीजें एमआरपी से ही बिकने वाली हैं, ये आप मान लीजिए। रही बात प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन होगा, जिसे तरक्की कहते हैं, वहां नो डाउट कि विस्तार होगा। लेकिन यदि दोबारा कोई पैंडेमिक आ गई तो क्या किसी प्राइवेट आधिकारिक क्षेत्र में जाकर के आप जो है वो अपनी जनता को शरण दे सकते हैं, वहां दोबारा सेंटर बना सकते हैं? इस बार भी जो है जितने स्कूल कॉलेज कॉम्प्लेक्स थे हॉस्पिटल में तब्दील कर दिए, या फिर जो सरकारी बड़े अस्पतालों थे उन्होंने ही पब्लिक को संभाला है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यदि आप वो प्राइवेटाइजेशन में ले जाओगे तो सरकार का तो कुछ नहीं जाना है, लेकिन जनता को पता है कि आगे आने वाले समय में, जैसे हम ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो सिवाय दो चार जो है विरोधाभासी कानून लाने के या फिर धारा 370 हटाने के और राम मंदिर बनाने के अलावा ऐसा कौन सा इन्होंने जो है तीर चला दिया जो 70 सालों में नहीं चला? आने वाले समय में इसी तरीके के सवाल जवाब होंगे और बातचीत होगी। अब रही बात जो है हरियाणा पंजाब के किसान जो इस आंदोलन में कूदे हुए हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके पास जो लैंड होल्डिंग साइज है वो उनकी अपना निजी मैटर है कि वो एग्रीमेंट पे साइन करते हैं या नहीं करते हैं। जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो सरमाएदार है, वो कभी भी जो है घाटे का सौदा नहीं करता। तो खेती में ऐसा कौन सा हीरा निकलने वाला है आने वाले समय में जिसमें जो है पूंजीपति आएंगे, गांव देहात के किसानों पर पैसा लगाएंगे और वो मिट्टी जो पिछले हजारों सालों से सिर्फ अनाज ही पैदा करते आई है और किसान जो है वो दाल रोटी खाता आया है, आने वाले समय में वो व्यापारी, वो सरमाएदार का पैसा लगने से वहाँ हीरे मोती जवाहरात पैदा होने शुरू हो जाएंगे और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, रातों रात जो है किसान अमीर हो जाएगा। ऐसा सपना जो देखा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर में अभी वो संभव है। अभी बहुत सारे काम करने जो हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म होनी ज़रूरी हैं, बिजली पानी खाद बीज इन सब पे जो है अभी साइंटिफिक रिसर्च की और बहुत आवश्यकता है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर शिक्षा का स्तर सुधारने की आवश्यकता है इस देश में, तभी जो है किसान का विकास होगा। खाली कानून बनाने से जो है वो विकास नहीं होगा। जो बिलों की बात हो रही है उसको मैंने पूरे तरीके से खोल करके बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप किसी भी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस तरीके की और जानकारी चाहते हैं तो आप जो है हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, वहां से आप पेस्ट कंट्रोल और उसकी वीडियोस, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सलाह लेने के लिए ज्वाइन बटन को ऑन कर लें। धन्यवाद।